हेलो आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस जब हम करते हैं या क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं जावा में तो उसमें जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टर्स को कैसे इनहेरिटेंस में डील किया जाता है या क्लासेस को एक्सटेंड करने में डील किया जाता है और किसका कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है तो उसके लिए हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल लेनी है कि हम बेस क्लास में यहां पर जाके हम इस बेस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एंड देन बेस एंड लाइक दिस जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है और उसका जो नाम होता है वो क्लास के नाम जैसा होता है सो so ये हमने एक बेस क्लास में जाके एक बेस नाम से एक फंक्शन बनाया मैथड बनाया एंड दैट इज नोन एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इसमें हम एक मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड आप लिख सकते हैं आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास आपने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसी के साथ हम एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं लेट्स सपोज पब्लिक देन आप यूज कर सकते हैं बेस uh, हमारे पास uh, एक और हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है लेकिन हम इसको चाहते हैं कि इसको हम इन टैक्स या एक सिंपल एक एक्स वेरिएबल ले लिया हमने एंड दिस इज नोन एज बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड आप इसमें मैसेज दे सकते हैं दैट इज आई एम पैरामीटराइज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास सो so, हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बट दीज आर दी कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस क्लास अब हम अगर इसको कॉल करते हैं अगर आप यहां देखें आप इसको ऐसे कॉल कर रहे हैं और आप नोटिस करना चाहते हैं तो आप इसको एग्जीक्यूट करें क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनाया है तो आप शिफ्ट एफ करेंगे और आप आउटपुट देखें तो आपके पास आउटपुट आई है आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एंड देन द मल्टीप्लीकेशन इज लाइक दिस इससे हमें यह समझ में आ गया कि जब हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या करता है कि वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और बेस क्लास का अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ अब हम एक छोटी सी चेंज चाहते हैं कि ड्राइव्ड क्लास में भी हम क्यों ना हो एक कंस्ट्रक्टर बना दें हम और डिफॉल्ट बना देते हैं पहले सो so, डिफॉल्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे पब्लिक एंड देन ड्राइवड और ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और इसके बीच में आप मैसेज दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ आप लिख सकते हैं दैट इज आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ दी ड्राइव क्लास सो so, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेकिन दिस इज ऑफ ड्राइव क्लास अब हम एक और भी बना सकते हैं पब्लिक ड्राइव्ड एंड वी कैन राइट हेयर इन टेक्स कॉम इनवाई एंड दिस इज एक्चुअली द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास बट दिस इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सो यू कैन डिस्प्ले वन मैसेज सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और आप यहां मैसेज दे सकते हैं दैट इज आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास सो आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास अब आपने कुछ नोटिस करना है कि uh, हमारे पास जब हम क्लासेस बनाते हैं तो क्या होता है सो so, हम जब क्लासेस बनाते हैं जो हमारे पास एक्सटेंड की हुई क्लास होती है जैसे ये ड्राइव क्लास है अभी आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और आपने यहां कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें सो so, आप देखेंगे कि जब हम ड्राइव क्लास बना चुके होते हैं और उसमें एक बेस क्लास भी होती है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाता है वो बेस क्लास का बनाता है और उसका बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है अगर आप नोटिस करें यहां पर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद जो है वो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास इट मीन्स कि ड्राइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है ये तो हो गया कि जब हमारे पास हम ड्राइवड uh, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बेस uh, क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करता है और उसके बाद वो अपने ड्राइव क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है अगर आप चाहते हैं कि जैसे सपोज मैं यहां पर अब लिख देता हूँ टेन कॉमा ट्वेंटी अब क्या होने वाला है अब यहां पर मैंने ड्राइव का जब ऑब्जेक्ट बना रहा तो मैंने उसमें टेन और ट्वेंटी पास किया जब टेन और ट्वेंटी पास किया तो ये ड्राइव क्लास में जाएगा और ड्राइव क्लास के अंदर एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हो इट मीन्स ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा लेकिन जैसे ही ड्राइव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल लगेगी सो so, ये ड्राइव क्लास होने के कारण वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा या बेस क्लास को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसमें से जाके वो किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा सो दैट इज अगेन डिफॉल्ट राइट सो अब आप इसकी आउटपुट देखें तो आप आउटपुट देखेंगे यहां पर हमारे पास आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास बट आई एम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास तो अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया यहां हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया उसमें आर्ग्यूमेंट दिए तो उसने ड्राइव का तो पैरामीटराइज कॉल कर लिया लेकिन बेस का फिर भी उसने डिफॉल्ट ही कॉल किया अब हम चाहते हैं कि ड्राइव का भी पैरामीटराइज कॉल हो तो बेस का भी पैरामीटराइज कॉल हो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ड्राइव क्लास है अगर हम यहां लेके चलें कि हमारे पास एक ड्राइव क्लास है तो आप ड्राइव क्लास में जाके यहां पर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि जब हम कॉल करेंगे तो वो यहां आएगा और यहां जाके हम लिख देंगे सुपर सुपर हमारे पास एक कीवर्ड आप लेके चले और इस इट इज यूज एट दिस मोमेंट टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास बिकॉज जो बेस क्लास होती है उसको जावा में सुपर क्लास भी कहते हैं तो आपने यहाँ सुपर लिखना है और यहाँ आपने सपोज एक्स लिख दिया क्योंकि ये जो एक्स वैल्यू है ये हमारे पास यूजर uh, पास करेगा या जो कॉल करेगा उसमें पास होगी तो यहां से जो एक्स की वैल्यू है वो हम यहाँ पास करें और ये जो है दिस इज एक्चुअली द कॉल टू दी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास मींस इसको कॉल लग रही है तो जो उसके एक्स की वैल्यू है यहां पर ये जो एक्स आपने दिया है जहां हम कॉल करेंगे ये जो टेन वैल्यू दी गई है या ट्वेंटी वैल्यू दी गई है ये टेन और ट्वेंटी किसको असाइन होगी दैट इज टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास यहां एक्स में आ गई फिर ये एक्स वैल्यू हमने इसमें पास की है और ये एक्स वैल्यू जो है वो गिवन विल बी गिवन टू दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास सो इट मींस कि अब यहां आ जाएगा और फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा सो so अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें शिफ्ट एफ सिक्स और आप देखेंगे आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एंड आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास सो इस तरह से इसको छोटा सा री ले सकते हैं कि जब हमारे पास हम क्लासेस एक्सटेंड करते हैं जावा में तो उसमें पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर चलते हैं और उसके बाद ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर चलते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लेटली कॉल करना चाहते हैं बेस क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को फॉर एग्जाम्पल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को तो आपको सुपर की के थ्रू उसको कॉल करना पड़ता है सो so, ये था कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर्स के साथ डील कर सकते हैं या जावा कंस्ट्रक्टर्स के साथ कैसे डील करता है जब हम जावा में इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग